सर गेट खोल दो। बुर्का निकाल के जाना। क्यों बुर्का? क्यों बुर्का अलाउ नहीं है? कौन सा मैम, कहाँ लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे बैंक में, क्या बुर्का अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुर्का? ये मतलब है बुर्का अलाउ नहीं है मैडम। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है मुझे आप बता दीजिए कि बुर्का अलाउ नहीं है? हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसकी हिसाब से बता। तो कौन सी गाइडलाइन है मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुर्का अलाउ नहीं है मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। लंच में कौन सा लॉक लगता है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। नाज़रीन किराम, ये वीडियो जो आप हजरात देख रहे हैं, जहाँ पर एक मुस्लिम खातून एक बैंक के अंदर जाती है, ये राजस्थान के जयपुर का है, कैनारा बैंक का है, कि जहाँ पर एक मुस्लिम खातून बैंक जाती है तो वहाँ का जो मुलाजिम है, जो चपरासी है, जो गेट कीपर है, उसने उस मुस्लिम खातून को बैंक के अंदर आने से मना किया और बोला कि यहाँ पर बुर्का अलाउ नहीं है। मुस्लिम खातून अगर चाहती तो वहीं से वापस हो जाती, उसका विरोध न करती और उसको गलत को गलत न कहती और वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाती। लेकिन सलाम है उस मुस्लिम खातून को और उस नेक खातून को कि जिसने बुर्के की लाज रखी है और ये बता दिया कि हम गलत को गलत कहते हैं, और उसने इसका विरोध किया और ये कहा कि कहाँ लिखा हुआ है? उसने कहा कि हमारी गाइडलाइन में नहीं है। उस मुस्लिम खातून ने कहा जहाँ लिखा हुआ है कि ये बुर्का हमारे गाइडलाइन में अलाउड नहीं है, वो मुझे दिखा दो। इस पर जब बात आगे बढ़ती है तो फिर बैंक मैनेजर से उस मुस्लिम खातून को मिलाया जाता है और उसने वहाँ पर भी इसका विरोध किया है। और जब बात आगे बढ़ती है तो कुछ खातून भी उस बैंक की जो मुलाजिम हैं वो आ जाती हैं और उसको समझाने की कोशिश करती हैं और इधर उधर की बातें करती हैं, लेकिन मुस्लिम खातून अपनी बात पर डटी रही और उसने उससे सवालात किए तो फिर आखिर के अंदर वो मजबूर होकर के उन्होंने उनसे सॉरी बोला और ये कहा कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब ये मामला इसको उस मुस्लिम खातून ने रिकॉर्ड भी किया, ये भी बहुत अहम चीज़ है कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और कोई ऐसा मामला पेश आता है तो आप उसको रिकॉर्ड कीजिए ताकि वो एविडेंस रहे और लोगों के सामने वो बात जा सके। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो बैंक वालों को लगा कि अब तो हमारे बहुत से कस्टमर टूट जाएंगे, बहुत से मुसलमान टूट जाएंगे, बहुत से जो ऐसे हिंदू कस्टमर हैं कि जो सेकुलर ख्याल के हैं वो टूट जाएंगे। तो फिर उसने ट्विटर के ऊपर माफ़ी मांगी है और उसने ट्विटर के ऊपर भी लिखा है और उसने ट्वीट किया कैनारा बैंक ने, जिसे आप देख सकते हैं, नमस्ते, आपको ही असुविधा के लिए हमें खेद है, मामले को संज्ञान में लिया गया है और हमने इस मामले को संबंधित टीम को भेज दिया है, धन्यवाद। और ये उस वक्त हुआ जबकि एक मुस्लिम खातून अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटी रही और उसने अपने हक़ को छीना, मांगा नहीं बल्कि छीना और सवालात किए। आज भी मेरी उन मुस्लिम बच्चियों से, उन मुस्लिम खातून से दरख्वास्त है कि जिनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है, बाद मुस्लिम बच्चियों को देखा जाता है, उनको स्कूल के अंदर दाखिले के वक्त या मुतासिब मिजाज कोई प्रिंसिपल होता है, कोई हेडमास्टर होता है, तो उसे बुर्का उतारने पर मजबूर किया जाता है। आप हरगिज़ उनके साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, अपने मौक़िफ़ के ऊपर आप डटे रहें और उनसे पूछें कि कहाँ लिखा हुआ है और कहाँ संविधान के अंदर ये है, तो इंशाअल्लाह आप एक आइडियल बनेंगी और आपसे मुस्लिम कौम को एक वक़ार मिलेगा होगा और उनका हक इंशाअल्लाह कोई छीन नहीं पाएगा। मुस्लिम खातून ने एक मिसाल कायम की है, मैं सलाम पेश करता हूँ उस मुस्लिम खातून को जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मुस्लिम बच्चियों की और मुस्लिम खातून की हिफाजत फरमाए और जो हजरात इनके बुर्के के ऊपर और इनकी इज्जत व इस्मत के ऊपर हाथ उठाना चाहते हैं, उंगली उठाना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।